हाय दोस्तों, मैं हूं नसीत अगाले और आप देख रहे हैं आज की न्यूज़। आज की न्यूज़ में आपका स्वागत है। नांदेड़ जिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मुस्तहकिम करने के लिए जिला सदर फिरोज लाला सरगर्म है। तामसे के बाद ताल्लुका किनवट में इमाम का जलसा मुनक्कद हुआ, जिसे खिताब करते हुए फिरोज लाला ने मुखालिफिन पर जोरदार तनकीद की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नांदेड़ जिले में मजबूत व मुस्तहकिम करने के लिए जिला सदर फिरोज लाला सरगर्म है। भोकर, अर्धापुर, मुदखेड़, खंदार, देगलूर, बिलोली, हिमायत नगर जैसे ताल्लुकों में दौरे के बाद फिरोज लाला की क़यादत में नांदेड़ ज़िला कमेटी ने ताल्लुका किनवट का रुख किया। इस ज़िमन में ताल्लुका कमेटी की जानिब से शहर किनवट में हालात हाजरा के उनवान से एक जलसा मुनक्कद हुआ, जिससे खिताब करते हुए फिरोज लाला ने मुखालिफीन पर ज़ोरदार तनकीद की। और आज इस बात की मुझे खुशी है कि किनवट शहर के अंदर, किनवट तालुके के अंदर मुझे वही पुरानी एक मुकम्मल जमात मुझे आज दिख रही है और आज मेरे साथ है। इस बात का मुझे फख्र है। मेरे खायद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब कहते हैं कि फिरोज लाला अपनी जमात सेक्युलर है, हर समाज हर धर्म को लेके चलने वाली जमात है, मगर कुछ लोगों ने हमको बदनाम करने का काम किया। आज यहाँ पर माहौर के नगर सेवक अजीज भाई यहाँ बैठे हुए, क्या माहौर के अंदर पांडे साहब को क्या मजलिस का बैनर टिकट नहीं दिया गया? दिया गया। पांडे साहब को जात और धर्म नहीं, उनके काबिलियत पे देके टिकट, उनकी काबिलियत को देके टिकट दिया गया। आज मजलिस सबके दरमियान में अगर आई है तो यकीनन सेक्युलरिज्म की बुनियाद पे आई। कुछ फिरका परस्त सियासी जमाते मजलिस को जातिवाद की जमात कहते हैं। मुझे आप बताइए, किनवट की एनसीपी, किनवट की कांग्रेस हमको जातिवादी कहती है और हिमायत नगर में शिवसेना का नगर अध्यक्ष बनाते हैं। कौन जातिवादी? ये सियासत होती है, जो झगड़ा छुड़ाता है उसको दंगाई बोल के डाल दिया जाता है। ये नहीं चलेगा। अगर ऐसा होगा तो इंशाल्लाह मजलिस पूरी ताकत से मुकाबला करने के लिए फिरोज लाला शहर किनवट में आने को तैयार है। नहीं चलेगी दादागिरी, नहीं चलेगी, चाहे सियासी लोगों की हो या किसी और लोगों की, बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर वो लोग दो महीने के अंदर मुस्तहिक लोगों को जमीन नहीं देंगे तो मजार साहब रस्ते पे उतरो, किनवट की अवाम तुम्हारे साथ है और कम ज्यादा कुछ अगर जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह फिरोज लाला आने को भी तैयार है। वादा रहा तुमसे आने को, क्या चल रहा यहां पर? आज तकरीर मुझे यकीनन करनी थी, आज यहां पर धरने आंदोलन भी करना था, मगर मैं थोड़ा लेट हो गया और उसकी वजह आप लोगों को बताया। जिस तरह से और किनवट की अवाम को बताना चाह रहा हूं, सुन लो किनवट वालों, जिस तरह से तुम यहाँ के आमदार को अहमियत देते उसकी कोई अहमियत नहीं है नांदेड़ में, याद रखो। क्यों नहीं? क्योंकि वो खाली एक ट्रेन के लिए ही खाली नांदेड़ से गुजरते, बाकी एनसीबी में उनका ना कोई काम है ना कोई तवज्जो है। टाइम आया तो इधर से एडजस्टमेंट कर लेते, टाइम आया तो उधर से एडजस्टमेंट कर लेते। क्या वजह थी 2017 की नगर पालिका जाने की? ठीक, क्या वजह थी? अगर ये विकास प्रेमी होते तो इनकी नगर पालिका नहीं जाती और एक ही घर की सियासत आपके किनवट में पनप रही है। मुझे ये समझ में नहीं आता, आप इतने जागरूक, इतने होशियार, पढ़े लिखे,
जागरूक लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, ससरा फलाने पार्टी में, दामाद फलाना पार्टी में, दूसरा बच्चा तीसरी पार्टी में, सुबह एक में शाम में एक में, क्या चालू है, क्या चालू है? इसको सियासत कहते हैं? अरे जो जो तुम्हारे शहर में तुम्हारे काम ईमानदारी से नहीं करता है, वो कहां से ईमानदारी? इसलिए आप तमाम लोगों से और यहाँ के नौजवानों से एक अपील करने आया हूँ, एक गुजारिश करने आया हूँ कि आने वाले दिनों में इसी तरह इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ रहिए। आने वाले बल्दिया हो, असेंबली हो, जो भी इलेक्शन रहे, इंशाअल्लाह मजलिस पूरी ताकत से लड़ाने को तैयार है और आपके अपने अंदर के नौजवानों को इंशाअल्लाह मजलिस ज्यादा से ज्यादा टिकट देकर बल्दिया नगर किनवट के अंदर भेजने का हम काम करेंगे। क्यों करें? इसकी वजह है नौजवान इस देश का 60% नौजवान है। इस मुल्क की सियासत का सबसे बड़ा अगर कोई उधर हरा लाइट लगा दिए हमदा और इस मुल्क का पीएम को बदलने का या सीएम हो या नगर अध्यक्ष हो या आमदार को बदलने का अगर कोई काम करता है तो नौजवान करता है। मगर नौजवानों के साथ नाइंसाफी हो, मगर नौजवानों फिकर और फिकर करने घबराने डरने जैसी कोई बात नहीं। इंशाअल्लाह इसके बाद जो भी आपके शहर किनवट के मसले रहेंगे यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी तरीके से पूरी ताकत से काम करके आपके मसलों का काम करने की कोशिश करें। आज इस बात का किनवट के लोगों को नॉलेज है या नहीं है कि जर्मनी के अंदर हमारे देश के शहजादे जाते अपने देश का इतिहास नहीं मालूम, वहाँ लोगों का इतिहास पूछते। आप लोगों को मालूम नहीं? मालूम इंशाल्लाह आपको थोड़े दिनों के अंदर मालूम, मगर आज आप लोगों को मुत्तहिद होना पड़ेगा, मुनज्जम होना पड़ेगा, एक साथ रहना पड़ेगा, मिल के रहना पड़ेगा। जिस तरह से बताए कि ये देश सभी जाति और धर्म के लोगों का है, मगर आज इस देश के अंदर नफरत की सियासत करने का कुछ लोग काम कर रहे हैं। आज संविधान पे हमला हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं इस मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने का काम किया जा रहा है और आज संविधान को हम लोगों को चलना पड़ेगा, क्योंकि संविधान हमारे मुल्क की ताकत है, हमारे देश की एकता है। इसीलिए आप तमाम लोगों से माजरत चाहता हूँ कि आज तबीयत की थोड़ी खराब रहने की वजह से तकरीर नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आप तमाम लोगों से रजा लेता हूँ। अल्लाह हाफिज। जय भीम, जय मीम। इसके अलावा MIM ताल्लुका दफ्तर का इफ्तिताबी फिरोज लाला के हाथों हुआ, जहां ज़िला जनरल सेक्रेटरी सैयद मुजीब, एडहॉक कमेटी के मेंबर एडवोकेट सैयद मुश्ताक, इस्माइल जावेद, शेख शकील, मोहम्मद सलीम, शाहिद अनवर, हैदर पटेल, सैयद सलाहुद्दीन रूफ पप्पू, गफरान, शेख सलीम के अलावा किनवट के शेख मजहर और शेख अतहर भी मौजूद रहे। इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं, देखते रहिए आज की न्यूज़। और हमारी न्यूज़ पसंद आई तो YouTube पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।